ବିଷ ପାଳନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିବା ପରି ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆଖଣ୍ଡ ପାଳନ କରେ ତ୍ୟାଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନରେ ଯାହାର ସେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ନାରୀ ଚିର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହୋଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଦୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ଏକ ଧାରାରେ ନାରୀ ଜାୟା ଜନନୀ, ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ। ଏଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ସକଳ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନାରୀ ଅବହେଳିତା, ନିର୍ଯାତିତା, ଅପମାନିତା, ସେହି ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତି ଅଗ୍ରଗତିର ଧାରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ସେହି ଜାତିର ଅପମାନ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଅପମାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀକୁ ଭୋଗ ବିଳାସର ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସତୀଦାହ ବ୍ରତ, ସରଦା ପ୍ରଥା, ବହୁ ନାରୀ ବିବାହ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଅନେକ ନାରୀ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଏକ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲା। ତାହା କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ନାରୀକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମାଜରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଡ୍ଡି ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାନାତ୍ମା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାତିରେ ଜଣେ ନାରୀ ଏକା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ସେହିଦିନ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ନିର୍ଭୟାର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କବିତାଟି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, हेलो, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गई, माँ घर से फोन छड़ कर कर लाज, कभी जुए में हार गई तो कभी अपनी परीक्षा दिलवाई, कैमरा, कलयुग हो या सत्ययुग इंद्र मुझे पर आता है, कलयुग हो या सत्ययुग इंद्र घरे मामू को फोन कर, उन घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन मेरा घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं समय अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंद जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तरल पसीना माथे पर, दिल में घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरों में उन हाथों में से एक ने मेरे बाहों में खींच लिया, एक ने मेरे ऊपर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचलों को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है मुझको, पालों से मुझे घसीटा, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से नस थोक आया, सबने तस्वीरें खींच ली थी, कोई मदद को आने ना, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख में मुझसे रूठ गई। जब हक में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गए, परिवारों की बदनामी होगी ये सब मुझे समझाते हैं। कच्चे अमृत लड़ते हैं, थोड़ा तो भेज जाते हैं, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच्चे जाएंगे। तुम लड़की हो दुनिया वाले, तुम पर ही प्रश्न उठा, क्यों कोई ना था साथ में, क्यों निकली मैं अंधेरी रात में, क्यों कोई ना था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मैं कब तक, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों के भूल भुलैया में सच्चाई ठीक हो जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ तुम, अरे भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, अरे भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम शर्म नहीं आती है। कैसे भूले उन रातों को जो बार बार याद आती है, कैसे भूले उन रातों को बार बार याद आती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ ये कहने बालक, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल बेजत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेजत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है।
और आओ फ्रेंड लोग मेरे साथ ये आह्वान करो, तो आओ फ्रेंड लोग मेरे साथ ये आह्वान करो, अपने मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, सर्वश्रेष्ठ और महान जन प्रति मुँह मार जो श्रद्धा ज्ञापन कर मोर वक्तव्य समाप्त कर।